Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. Judicians always maintain their traditions. और उसी traditions को maintain करते हुए judicians ने इस बार भी JPAT 2024 में अपनी जीत का परचम लहराया है और result का तो एक तूफान लाया है. मैं ये proudly announce करता हूं, all over India, under 10th rank, judicians have made 8 students in top 10. One of them we have with us today, Mr. Pritam Kumbhar, who have got all over India 9th rank in JPAT 2024. So, सबसे पहले प्रीतम, आपको आपके इस रिजल्ट की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है आपका इस JDC प्लेटफॉर्म पे. थैंक यू सर. प्रीतम, 9th रैंक, सिंगल डिजिट रैंक देखने के बाद कैसा एक्सपीरियंस था? शुरू में तो जब रिजल्ट लगा ना हाइपर का, तो बहुत डिप्रेशन में गया था क्योंकि बहुत ही दूर रैंक आए थे. तो आफ्टर दैट जब जीपैट के रैंक सुबह 9-10 बजे उसका रिजल्ट आ गया, तो मैंने नहीं देखा, मेरे फ्रेंड्स ने देखे और उन्होंने कॉल लगाया कि अरे यार तुम्हारा तो सिंगल डिजिट लग गया है. तो मैं बोला कितना लगा है, तो उन्होंने बोला कि 9th रैंक है और तुम्हारा तो 350 भी क्रॉस हुआ है मार्क्स, तो तुम बहुत ही मतलब वहाँ मैं पूरा ब्लॉक हो गया था कि मेरी फीलिंग्स जो थी, इतनी मेहनत की थी जीपैट के लिए, कहीं ना कहीं वो सफल हो गई. तो बहुत खुश था, पहले फैमिली को फ़ोन लगा, फैमिली भी बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जर्नी प्रीतम की 6 महीने साल भर की नहीं, 2 साल की जर्नी थी और ये इस जर्नी में रिजल्ट यहाँ तक मिलना एक डेफिनेटली बहुत मोटिवेटिंग था. इस जर्नी में आपने JDC को कब शामिल किया और कैसे आप JDC से जुड़े? मैंने तो मतलब 2 ईयर का प्रोग्राम ही था, तो तब से मैंने सितंबर के बैच में मतलब अगस्त के बैच में मैंने अलॉटमेंट लिया था JDC का जी. तो तब से मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया कि अब करना है कुछ तो बड़ा. तो शुरू शुरू 2-3 महीने कंसिस्टेंट नहीं रहा, लेकिन जब 3rd ईयर में JPAT देने का डिसीजन लिया, फॉर्म भर दिया, तो सोचा कि कोई नहीं, अब तो कंफर्म करना है JDC का, मतलब इस बार JDC को एक अच्छा रिजल्ट दिखाना है हमें. तो पूरी लगन से 2-3 महीने जो रह गए थे, तो उससे मैंने अच्छे से जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उसको कवर करे और क्वालिफाई भी कर दिया. तो उससे एक बड़ा मोटिवेशन मिला कि 2-3 महीने में अगर क्वालिफाई हो सकते हो तो पूरा 1 साल पढ़ा है, तो उसमें तो बहुत बड़ा ही कुछ कर देंगे. तो वही सोच के JDC साथ में चलते रहे और वो चीज़ें आज इस मोमेंट के साथ एंड हुई हैं कि मतलब एक अलग ही फीलिंग है कि अंडर 10 रैंक हम अपना बना दिए और वो टॉप 10 में हमें घुसना था, वहाँ हम पहुँच गए. बहुत अच्छा. बट प्रीतम, जैसा कि अभी आपने बोला, शुरुआत में आपने ज्वाइन किया बट कंसिस्टेंट नहीं रहे. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, वो ब्रेक ड्यू टू द कॉलेज प्रेशर, फ्रेंड्स, फैमिली, एंजॉयमेंट, ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन उसके रीजन हो सकते हैं. लेकिन क्या एक वो चीज़ है कि जिससे आपको लगा कि नहीं यार, अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मेरे लिए हार्मफुल होगा? कैसे आप उस चीज़ को रेगुलर लेके आए? इसका तो मुझे मतलब इसका इम्पैक्ट मेरे सेमेस्टर एग्जाम में हो गया था कि जब मेरा मतलब जब 3rd ईयर में ही सोच लिया था, मैं फार्मेसी में भी जॉब करता था, तो फार्मेसी जॉब करके कॉलेज भी कर देता था, ऐसा था. तो इससे क्या हुआ कि मेरे सेमेस्टर मार्क्स भी बहुत कम आए, तो मुझे लगा कि नहीं यार, डिग्री तो नहीं अच्छी मिलेगी अगर इतना मतलब एकेडमिक्स में थोड़ा कमज़ोर हो जाऊँ, तो कोई नहीं, सब छोड़ देंगे, स्टडी अच्छे से कर देंगे, सेमेस्टर भी अच्छे कर देंगे और JPAT भी एक अच्छा परचम लहराएंगे. तो तब से शुरू कर दिया. बाकी फैमिली फंक्शन तो वो तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बाकी फ्रेंड्स जो होते हैं उनको भी थोड़ा मतलब आइसोलेट करना पड़ता है कि जब आप बड़ा मोटिवेशन लेके चलते हैं, बड़ा गोल लेके चलते, तब आपको थोड़ा आइसोलेटेड ही रहना पड़ता है. बहुत ज़रूरी है. देखिए, मैं इस चीज़ के लिए बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपका वाकई वो जेन्युइन फ्रेंड है और आपके फ्यूचर की बात है, तो मुझे उम्मीद है कि वो कभी भी आपको रोकेगा नहीं,
डेफिनेटली वो आपको मोटिवेट ही करेगा और उधर लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स हमेशा समझते हैं इन चीज़ों को ना। अब एक छोटी सी एक चीज़ भी, जैसे अभी कॉलेज की बात हुई कि कॉलेज का एक प्रेशर अलग ही होता है बच्चों के लिए। समटाइम्स उनको ऐसा लगता है जैसे मार्क्स अभी बोला डाउन होने लग गए, प्रेशर मैनेज कर पाना, जीपैट की प्रिपरेशन और कॉलेज की है चीज़ें सेम, लेकिन जब तक हम समझे नहीं तब तक हमें क्या लगता है कि नहीं सर दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो कैसे आप उन चीज़ों को बैलेंस किया और मैनेज किया? कॉलेज प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स के गाइडेंस के उन्होंने बोला था कि जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं, जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल्स में हमें सिखाई देते हैं वो चीज़ें हमारे ध्यान में ज़्यादा रहते हैं। जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं उससे जो फॉर्मूले रिलेटेड कुछ होता है वो भी हमें अच्छे से याद रहते हैं। फार्माकोग्नोसी के जो TS से हमें बायोलॉजिकल सोर्स याद आते, तो मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया कि कॉलेज प्रेशर हो जाए कोई नहीं, लेकिन हमें कुछ सीखने मिल रहा है वहाँ पर, बाकी लेक्चर्स और जो लाइब्रेरी में थोड़ा टाइम बिताते हैं तो उससे। और मेरा तो ऐसा था कि कॉलेज छूटने के बाद बूस्टिंग फिनोमेना मेरा क्लास ही था, लाइव क्लास। मैं कितना भी थोड़ा डिमोटिवेट हो, कितना भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो, शाम को जो 6 बजे का आपका जो हेलो स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाओ ये जो रहता था, जो रात 9 बजे तक चल जाता था, तो उससे मैं कंटिन्यूसली रहता था, उससे कभी बोर नहीं हुआ। क्योंकि एक छोटा सा गैजेट जो मोबाइल है वो मेरी पूरी दुनिया बन सकती है। Exactly. और GDC ने कर दिखाया, उसका एक अलग ही मतलब इमोशन बना दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हम क्लास से बिगड़ सकते हैं। एक कहते हैं ना GDC फैमिली हम जो बनाते हैं ना वो वर्बली नहीं, हम उस चीज को सामने भी लेके आते हैं। अच्छा, बात आई है पढ़ाई की, मैं थोड़ा सा मॉड्यूल पे चलना चाहूंगा। आपने मॉड्यूल्स पे पढ़े, आपके टाइम पे GDC के ब्लैक एंड व्हाइट के मॉड्यूल्स थे, और अभी आज आपने फेलिसिटेशन प्रोग्राम में न्यू मॉड्यूल्स को भी देखा होगा, थोड़ा सा रिव्यू हुआ होगा। नाउ अब आपको क्या लगता है कि जो ये नया मॉड्यूल है ये बच्चों के लिए कैसा इम्पैक्ट डाल सकता है? पहले तो ये जो नया मॉड्यूल मैंने देखा तो मैं खुद को एक बैड लक समझ रहा था, क्योंकि हमारे टाइम पर जो ब्लैक एंड व्हाइट आता था तब हम करते थे उसमें स्टडी, तो आज कलरफुल देखा तो पता चला कि अरे यार इससे तो और बढ़िया कर सकते हैं, चीज़ें जल्दी से याद आती है। Exactly. और जो देखा कलरफुल मॉडल्स उसको एक अच्छे तरह से अरेंजमेंट किया, एक अच्छे तरह से प्रॉपर नोट्स बनाए, एक पाई चार्ट बनाया, एक पिक्टोरियल फॉर्म में जो जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें ईजी लगती है। Exactly. वो उन्होंने उस मॉडल में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उससे बेनिफिशियल 100% हो जाएगा। ये जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है जो कलरफुल बनाने का, मैं तो कहता हूँ कि 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारा एक इम्पैक्ट क्या होता है ना कि बच्चा, हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप पढ़ो, बट पढ़ो, एटलीस्ट बुक पे आओ, हम ये चाहते हैं। क्योंकि आज के समय में मैं सीधे बोलता हूँ, स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि पढ़ना है, सेमेस्टर देना है, कहीं का भी नोट्स मिला पढ़ लिए, पेपर दे दिए, लेकिन आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। और ये चीज आपने इस नए मॉड्यूल्स में देखे होंगे बहुत सारे बदलाव के साथ, और डेफिनेटली स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनको भी वही जो आपने बोला ना कि मुझे पहले थोड़ा सा बैड लक समझा, बट इन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो 25 और 26 के हैं, उनको डेफिनेटली उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है प्रीतम, तैयारी करना। धीरे धीरे हमारी गाड़ी चलती रहती है। थर्ड ईयर में आपने क्वालिफाई किया, मुझे आज भी वो याद है जब आपने फ़ोन किया था कि सर थर्ड ईयर में मेरे ये क्वालिफाई हुआ, मेरा ये मार्क्स आया, मेरे रैंक आए, ठीक है, परसेंटाइल आपने मुझे उसमें बताया था, ठीक है। बट एक होता है कि थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लिया, अरे यार हम तो विनर हैं, ये है वो है, आगे हमें कैसे, और एक होता है कि नहीं मुझे सर इससे आगे जाना है और अच्छा करके। और उस समय भी मैंने आपसे यही बोला था बेटा अगर इससे हमने क्वालिफाई किया है तो हम नेक्स्ट ईयर इसको अंडर 100 में रैंक बनाएंगे, ठीक है। तो ये जर्नी कैसे आप इसको बैलेंस करके चले? पहले तो जब थर्ड ईयर में रैंक आए तो एक कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा, तो जो कॉन्फिडेंस थर्ड ईयर में था उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया। क्योंकि इसका एक रीज़न था कि बाकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं, बाकी जो फ्रेंड्स रहते हैं, उनमें से अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आप पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और बाकी के जो फ्रेंड्स रहते हैं तो आपको जज करने लगते कि ये जो लड़का है, ये बच्चा, वो आगे कुछ कर देगा। तो इस बात का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इस बात का जो मतलब जो प्रेशराइज रहता है, तो उसको हैंडल करके प्रिपरेशन करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। बिल्कुल। तो उसको एक प्रॉपर वे में लेना, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर लेना, क्योंकि
थर्ड ईयर के बाद जो क्वालिफाई कर देते, तो कुछ बच्चे क्या कहते कि हाँ मैंने 2-3 महीने में कर दिया तो आगे भी हो जाएगा, तो ऐसे सोचते थे जी। लेकिन मैंने उस वे में नहीं लिखा कि मैं जो मेरी रिवीजन जो स्ट्रेटेजी थी वो अलग थी, कि मैं अगर सो जाता था तो कोई भी मुझे उठा के अगर पूछता तो मैं ये बता सकता था, मैं उतना मतलब अपने आप को स्ट्रेटेजिकली बनाया था रिवीजन। तो उस टाइम पे भी थर्ड ईयर में अगर ये पढ़ लिया ना ठीक है, अब फिर से पढ़ना है रिपीट पर, ऐसा समझो कि आप रिपीटर बैच में हो और अच्छे से शुरू से कर दो, तो मैंने वही कर दिया थर्ड ईयर में क्वालिफाई। नो डाउट, बहुत बढ़िया, और ये बहुत अच्छा ज्ञान इन्होंने दिया है, सजेशन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरूर लेके चलिएगा कि आपको एक जगह आप अच्छा किए तो इसका मतलब रुकना नहीं है, और अगर एक जगह आपका कहीं कुछ कम मार्क्स हुआ तो उसके बाद भी आपको ठहरना नहीं है, बस आगे भी बढ़ने की कोशिश करना है। अच्छा प्रीतम, मार्क्स की भी बातें बहुत सारे बच्चे शुरुआत में लेके चलते हैं कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे हम इस चीज़ को पढ़ें, भूल जा रहे हैं चीज़ें, नोट्स कैसे बनाएं, कैसे प्रीतम उसको प्लानिंग करते हैं? पहले तो मेरे जो नोट्स थे तो मैं ब्लैंक पेजेस में, और जो फर्स्ट पेज है वो हाफ बनाता था, मतलब एक पेज पे मेरे 2 पेज बन जाते थे, और मैं मतलब जो मेरे स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे, जो सब्जेक्ट मुझे हार्ड लगते थे जैसे इकोलॉजी और केमिस्ट्री, ये मुझे बहुत हार्ड लगते थे, तो मैं उसके एक सेपरेट नोट्स बनाता। मैं भी जूनियर्स को ये सजेशन दूंगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हार्ड्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करो, और जितना हो सके उतना अपने हैंड राइटिंग से अपने नोट्स बनाओ। तो मैंने वैसे ही कर दिया, और जो भी मॉड्यूल्स थे और जो मेरे नोट्स थे तो मैं वो उसको पढ़ता था, और पढ़ने का मेरा तरीका अलग था कि मैं रिवाइज करते समय ऐसा सोचता था कि मेरे सामने एक 10-12 बच्चे हैं और मैं उनको एक कंसेप्ट बता रहा, जिससे मेरा कंसेप्ट एलाबोरेट होता था। Correct. और मैं कंटिन्यूसली वही कंसेप्ट तो उनको बता रहा था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी नोट्स के बारे में। बाकी जो मार्क्स का रहता है, तो मार्क्स का एक प्रॉब्लम, मतलब हर एक बच्चे को, मेरा भी प्रॉब्लम था कि मार्क्स शुरू में बहुत कम आते, क्योंकि मैं क्लास टेस्ट वीक में 2 रहते और एक वीकली टेस्ट रहता है, तो 3 दिन होता है वो अपना थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करने का रहता है, तो उसमें क्लास टेस्ट में आते, क्लास टेस्ट में अगली क्लास टेस्ट आते और वीकली टेस्ट आते, तो शुरू क्लास टेस्ट में अगर पहली क्लास टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे तो आगे के जो क्लास टेस्ट और वीकली टेस्ट में थोड़ा डिमोटिवेट होता है। तो मार्क्स के लेकर आप ज्यादा ध्यान मत दो, इवन आपको एक ही क्वेश्चन आ रहा है बाकी सब गलत हो रहे, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती कुछ नया सीखने के लिए। और मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज होती क्लास की, क्लास टेस्ट हो, DPP हो या वीकली टेस्ट हो, तो उसमें जो एनालिसिस है वो आपका एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक प्रॉपर वे में एनालिसिस करना, उसका रिविजन करना, उससे क्या होता है कि आपका इम्प्रूवमेंट धीरे से चलता है, ना कि डायरेक्टली जो हमारा जो ग्राफ होता है वो डायरेक्टली नहीं जाता, धीरे धीरे निकल जाता है, लेकिन एक ऐसे फेज पे आ जाते हो कि हाँ, तो आप मार्क्स भी क्रॉस कर देते हो, अपना कंसेप्ट भी बिल्ड करते हो और सब कुछ याद आता है। बिल्कुल, बहुत सही चीज है कि हम कॉन्सेप्ट जब तक नहीं डेवलप करेंगे तब तक हमारा कभी भी मार्क्स बहुत अच्छे हो ही नहीं सकते, और हम बात करते थे एलिमिनेशन रूल की, तब तक आप एलिमिनेशन रूल पे फॉलो कर ही नहीं सकते हो जब तक आप ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा एक पॉइंट छोटा सा मेरा यहाँ पे आता है, लाइक जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, हमारा सारी चीजें हम लेके चल रहे हैं, बट ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं, कभी हुआ कोई चीज का डिस्ट्रैक्शन? तो मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ एक्चुअली, whenever you are doing any job or any education, that time the distractions are the plays and crucial role. If you handle the distraction, then you can whatever you do. Exactly. तो distraction का मेरा एक अलग एक था कि मैं ज़्यादा meditation करता था। अगर मुझे लगता था कि मैं एक distract हो रहा है, एक negative चीज़ों के लिए कोई भी distraction हो, तो मैं sort out करता था कि ये कौन सा distraction मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, कौन सा नहीं है, तो मैं उसको अवॉइड कर देता था। तो कुछ लोगों का अवॉइड कर दिया, कुछ चीज़ों का अवॉइड कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम कर दिया, ऐसा नहीं कि पूरा ही कर दिया। जो 21 डेज की जो स्ट्रैटेजीज रहती है हमारी, जैसे मेरा इंस्टाग्राम बहुत चलाने का मतलब आदत थी, तो उसका भी मैंने कर दिया कि 21 डेज तक एक एक घंटा 2-2 घंटे हमें यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। तो 21 डेज के बाद मतलब उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। बाकी मुझे वेब सीरीज देखना भी बहुत पसंद था, उसका भी सेम वैसा ही क्या, इवन मैंने मेरा जो जो डाटा बैलेंस था वो भी थोड़ा कम कर दिया, जितना क्लास में लगता है 1 GB
उतना ही रखता था। उससे उससे क्या होता था कि डाटा भी मतलब कंट्रोल एक रहता कंट्रोल था। नहीं, कंट्रोल ही हाँ होता था। तो ये हो गया मोबाइल का। बाकी तो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक मेडिटेशन मेरे लिए, अगर जूनियर्स को बताना, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद नहीं आता, याद नहीं आता, सब लोग बोलते कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, तो सच में मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। परफेक्ट। यहाँ पे दो बहुत अच्छे सजेशन आपको प्रीतम ने यहाँ पे दिए हैं। एक मेडिटेशन करके आप जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतनी अच्छी चीज़ें आपको याद होंगी। एक ये सबसे बड़ा पॉइंट, आपको ज़रूर इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अच्छा अब प्रीतम, अगर मैं बात करूँ सिंपल छोटे शब्दों में, मुझे ज़रा जवाब दीजिएगा, अगर मैं GDC के सपोर्ट की आपके इस जर्नी में और GDC के डिफरेंट टीचर्स का सपोर्ट की बात करूँ, किनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अभिषेक सर का ही मैं नाम लूँगा कि अभिषेक सर ने इस ओवरऑल 2 ईयर्स की जर्नी में मुझे बहुत बहुत मतलब बहुत मदद की है। क्योंकि एक सिचुएशन आती है हर एक लाइफ में कि आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस टाइम पर धैर्य रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी रहता होता है। तो वो पेशेंस तो आपने ही सिखाया, कि आपने बोला था कि अभी 6 महीने हैं, सोच लो, थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट लो, जो भी सिचुएशन है अगर तुम्हारे हाथ में हो तो हैंडल करो, नहीं हाथ में है तो छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। जो भी है अपनी फैमिली के साथ रहो, उनके करेक्ट। साथ शेयर करो जो बातें, तो उससे जो पेशेंस का जो एक्चुअली में कैसे इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, तो आपने सिखाया। बाकी अखिलेश सर ने बताया कि लाइफ में कैसे हम ग्रोथ करें, कैसे हम चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें, हर लोग होते हैं, हर लोग डिफरेंट सोचते हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर लें, तो अखिलेश सर ने बताया। बाकी श्रीकांत सर ने भी अच्छा, मतलब हर एक टीचर्स का एक मोस्ट क्रुशल रोल होता है कि हर एक बच्चे को हर एक सिचुएशन में उसका सपोर्ट लेना, तो मेरे लिए तो GDC ने मत बहुत ही बहुत सपोर्ट किया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा प्रीतम आपके साथ जुड़ के, और मैं चाहूँगा और मेरे बेस्ट विशेस हमारे पूरे GDC टीम की तरफ से, आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, नाम रोशन करते रहिए, भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रीतम।